शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अबे और दले, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जैसे इस किले को जमीन में गाड़ रहा हूं ना, ऐसे ही तुझे भी गाड़ दूंगा। ऐसे गाड़ते हैं। आज पता चला खाना खाना तो आसान है लेकिन पकाना मुसीबत है मुसीबत। अरे मैं तो जाके कह दूं सर से मारे से खाना वाला नहीं पकता, चाहे जो पनिशमेंट देनी हो दे दे। पनिशमेंट नहीं, खाना मिलेगा खाना, वो भी पका पकाया। देखते जाओ, जैसे मैं करूं वैसा करना। करण, ये क्या कर रहे हो तुम? सर आटा गूंध रहा हूं। तुम आटा गूंध रहे हो, आटे को नहला रहे हो? तुम्हें तो आटा गूंधना भी नहीं आता, मैं बताता हूँ आटा कैसे गूंधा जाता है। सर लेकिन आप? हाँ हाँ मैं, यस आटा दो। हाँ पुट पुट एस सर मैं जाऊं? यस डिसमिस। थैंक यू। यस आटा गुन्ना भी आजकल के बॉयज को नहीं आता, ब्रिटिश डेज में 14 साल आटा गुना है मैंने। 14 यस यस ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया है? साबुत भिंडी है ये तो, कटी भी नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं भिंडी काट रहा हूँ सर। अरे तुम्हें तो भिंडी भी नहीं काटना आता यार। तो फिर कैसे काटते हैं सर? कैसे काटते हैं मैं बताता हूँ। भिंडी ला भिंडी। अरे चाकू ला, मैं कैसे काटूंगा भिंडी? देखो भिंडी को यूं पकड़ो, ये कट गई भिंडी। तो मैं जाऊं सर? ये सर डिसमिस। कैसे काटते हैं? ब्रिटिश डेज में 11 साल मैंने भिंडी काटी है। यस खाएगा गुजराती, खाएगा रे सिंधी, ऐसी बनाऊंगा आज मैं भिंडी। इसमें ना नमक है, ना मिर्ची है, ना मसाला है, इसमें मेरे 26 साल का एक्सपीरियंस है। आहा ओहो, ऐसा बना है आज का मटन, खुल जाएंगे सबके पैंट के बटन। यस वाह भाई वाह, मजा आ गया। वाकई कर्नल साहब ने कमाल का खाना बनाया, मटन का तो जवाब ही नहीं। आखिर इंसान अपनी औकात कहीं ना कहीं तो दिखाई देता है। एक अर्दली बाप की पगारी कितनी होगी जो घर में बोटियां तोड़ने को मिलती है? भौंकने वाला कुत्ता क्या मांगता है? मैंने तो अपनी औकात दिखा दी, ले तू भी अपनी औकात दिखा दे। साला अर्दली की औलाद। अरे अरे छोड़ यार छोड़, किस्मत अच्छी थी आरामजादे की, हाँ जो अंकल बीच में आ गए, वरना मेरी प्लेट में हड्डी फेंकने के बदले में उसकी इतनी हड्डियां तोड़ता। सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। We'll be right back.
वेरी गुड परफॉर्मेंस, आई एम वेरी हैप्पी विद यू गाइस। हैं, आज हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है, कल सुबह हम वापस अपनी पोस्ट पे जाएंगे, राइट? सर बॉल। अच्छा, तो तुम यहाँ फुटबॉल खेलने आते हो या रोमांस करने आते हो? जी, ये लड़की वही है ना? लड़की? कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? ये क्या 4 PM, तुम लड़की को फुटबॉल के जरिए सिग्नल दे रहे हो? यंग मैन, एक बात याद रखो, रोमांस में जिसके 4 बजते हैं उसके 12 भी बजते हैं। सर मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब नहीं समझे? मुझे उल्लू बना रहे हो? अरे तुमको तो उल्लू बनाना भी नहीं आता। उल्लू कैसे बनाते हैं हमसे सीखो। 20 साल से लोगों को उल्लू बना रहा हूँ। यस, आज के 4 PM से कल के 4 PM तक तुम मेरी ड्यूटी पर रहोगे, अंडरस्टैंड? जहां मैं वहां तुम। यस सर। वो बॉल? अरे ऊपर वाले का शुक्र मानो कि तुम बॉल बॉल बच गए और मेरे साथ फंस गए। सर लेकिन सर आज ऑर्डर इज ऑर्डर। यस सर। चिल्लाता है यार। आज तुम्हारा पाला लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत मेहरा से पढ़ा है। बच्चू, बड़े बड़े आशिकों की टिपरी टाइट कर दी है मैंने, 20 साल का एक्सपीरियंस है। जब तक तुम लड़की का नाम और पता नहीं बताएगा मिस्टर आशिक, तुम यहां से नहीं जाएगा। हा? क्या बात कर रहे हो, मेहरा साहब लगा सकते हैं। अरे मेहरा साहब नहीं लगा सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ मेहरा साहब लगा सकते हैं। कहाँ ना नहीं लगा सकते। तो फिर लगी 5-5 की? 5 की क्या, तो 10 की लगा। चलो हो जाए 10 की। अब देख यार, मेहरा साहब को 20 साल का उल्लू बनाने का तजुर्बा है, 25 साल का रोटी बनाने का तजुर्बा है, और 25-30 साल तो आर्मी में हो ही गए होंगे, तो इस हिसाब से उनकी उम्र हुई 80 साल। अब 80 साल का बुड्ढा 50 डंड बैठक कहाँ से निकालेगा? तुमने मुझे बुढ़ा कहकर मेरी जवानी और मेरे स्टेमिना को ललकारा है करण। मैं 50 तो क्या, 150 बैठक मार सकता हूँ। जानते हो मैं पैदा ही बैठक की पोजीशन में हुआ था। अजीत सिंह, yes, आज रात को पार्टी होनी चाहिए। yes, कांग्रेचुलेशन, तुम बेल्ट जीत गए। yes, sir, yes. लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं सर। बोलो। एक गिनती मैं गिनूंगा, दूसरी आप पूरब की तरह मुंह करके दंड निकालेंगे। दोनों शर्तें मंजूर है। पूरब, पूरब की तरफ। आई एम रेडी। एकदम रेडी। एकदम ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52, 75, 76, 78, 90, 100, 101, 102, 148, 149, 150. सीटी बजाना सिखाना प्लीज। वेरी सिंपल, अभी सिखा देते हैं। आप जी अर्दली भगत सिंह, हमारा जूता उतारो। सुना नहीं तुमने, हमने तुमसे कहा है हमारा जूता खोलो।
मैं खोले देता हूँ साहब जी। नहीं 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 तुम नहीं, ये इसने हमारे जूते से ऊपर देखने की जुर्रत की है, जूता यही खोलेगा। मैं कुछ समझा नहीं साहब जी। मैं तुम्हें नहीं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये समझ नहीं रहा है। खोल दे बेटा खोल दे। साहब जी का जूता खोल देने से शाम थोड़ी कट जाएगी, साहब जी तो वैसे भी हमारे लिए बहुत बड़े हैं। खोल दे बेटा। तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने और तुम्हारी घटिया सी औकात की याद दिलाने के लिए हमने ये जूता खुलवाया था। And now you get out of here. जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ सर। इसका अंजाम क्या होगा भगवान जाने, लेकिन कहूंगा जरूर। क्या कहोगे तुम? तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम कुछ कहो? पापा ने कहा आप बड़े हैं और आपको बड़ा समझकर ही मैंने आपका जूता खोला है, लेकिन आपकी इस हरकत ने मेरी नजर में मेरी औकात से भी छोटा कर दिया है आपको। Shut up before I slap your face. पलटकर मैं भी आपसे कह सकता हूँ यू शट अप, लेकिन कहूंगा नहीं। ये सब क्या हो गया साहब जी? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। भगत सिंह, अगर तुम अपने बेटी की भलाई चाहते हो तो उसे कह दो कि मेरी बेटी से मिलना जुलना छोड़ दे। करण और प्रिया के बारे में बताकर वक्त से पहले तुमने हमारी आंखें खोल दी। सर, इन छोटे लोगों की कोई अपनी इज्जत तो होती नहीं सर, और ये दूसरों की इज्जत तो करना जानते नहीं। मैंने तो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझा और अपना फर्ज निभाया सर, दैट्स ऑल। हम तुम्हारी खूबियों के कायल होते जा रहे हैं विक्रम। यह तो आपकी मेहरबानी है सर। सुना है कल की मोटरसाइकिल रेस में तुम भी हिस्सा ले रहे हो? जी हाँ सर, और ये रेस इसमें मैं फर्स्ट आऊंगा सर, ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा सर। अगर तुम जीते तो मुंह मांगा इनाम देंगे। सोच लीजिए सर, मैं आपकी कोई बहुत प्यारी चीज भी मांग सकता हूँ। जान से ज्यादा प्यारी क्या चीज हो सकती है? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। प्रिया, तुम्हारे पापा ने वायदा किया है कि अगर कल मैं रेस जीत गया तो वो मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, और अगर मैंने तुम्हारा हाथ मांग लिया तो? उसकी नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि करण भी इस रेस में हिस्सा ले रहा है, और करण को हराने के लिए एक जन्म क्या 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी तुम जीत नहीं पाओगे। Do you understand? ये रेस तो मैं जीतूंगा ही प्रिया, तुम फिकर मत करो। वो तो मुझे मालूम है। मालूम है? तो पूछा क्यों? करण, मैं तुम्हें सीटी बजाना सिखाऊं? और सीटी बजानी तो मुझे आती है। वो सीटी नहीं, ये दूसरे स्टाइल की सीटी है। अच्छा, चलो सिखाओ। करण की जिंदगी की रेस को वहीं खत्म कर दो ताकि वो मोटरसाइकिल की रेस में पहुंच ना सके। नहीं पहुंचेगा। We'll be right back.
मिनट बाकी हैं और इस रेस का आंखों देखा हाल अब आपको सुनाया जाएगा। अरे यार, तुमको तो कमेंट्री करना भी नहीं आती। कमेंट्री कैसे करते हैं मैं करके बताऊं? सुनो, 30 साल का एक्सपीरियंस है। खबरदार होशियार, मोटरसाइकिल की जंग शुरू होने को तैयार। सब सुरमा खड़े हैं बनाए कतार, नजर नहीं आ रहा एक होनहार। अरे करण सिंह, तू कहां छिपाए कठोर? देख, वक्त से पहले अगर तू नहीं आएगा, जीतने से पहले ही हार जाएगा। इंतजार की धजियां उड़ती जा रही हैं, मोटरसाइकिलें उड़ने को मचलती जा रही हैं। वक्त आखिरी सांसों पे है और सुई पे सुई चढ़ी जा रही है। जंग शुरू होने की घड़ी आ रही है। लगता है अब वो नहीं आएगा, इसलिए पिस्तौल उठाओ, ट्रिगर दबाओ और मोटरसाइकिलों को भगाओ। सब मोटरसाइकिलें इस पानी में से गुजरेंगी। जो इस पानी में से सबसे पहले निकलेगा वही हीरो कहलाएगा।
पापा। मैं जीत गया प्रिया। हाँ करण, जीतना तो तुम्हें ही था। करण, करण, करण बेटी, करण आगे खोलो बेटी। प्रिया, तुम्हारी इज्जत का तमाशा बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो यहाँ से। नहीं पापा, प्लीज मुझे करण के पास रहने दीजिए। इज्जत तो मेरी जरूरत है, प्लीज पापा छोड़ो। चलो ना। ये तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया यार।